बाद और एक बार फिर मैं आया हूँ गरीब शाह, क्योंकि रमज़ान है और अभी पिछले दिनों में पाकिस्तानी ऑयल के पैसे फिर बढ़े 10 रुपये, तो मैं गरीब शाह था, मैं रानी ऑयल है, इसके रेट मालूम करें अब इसके रेट में कितना इजाफा हुआ है और किस तरीके अभी माल आ रहा है, कैसा आ रहा है। मेरे साथ दुकान वाला मौजूद है, उससे बात करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है भाई? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान भाई, हैरानी ऑयल का माल अभी आ रहा है? नहीं आ रहा अभी, आ रहा है लेकिन पहले जैसा नहीं है। पहले 280 का लीटर था, अभी तकरीबन 380 रुपये लीटर चल रहा है। 380 रुपये लीटर, रेट थोड़े बढ़ गए माल क्योंकि शार्ट हो रहा है, इस वजह से। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जब 280 रुपये था, उस टाइम 280 रुपये था, अभी 380 रुपये, 100 रुपये का फर्क हो गया। अच्छा, आप कौन कौन सा आपके पास है आइटम? अभी ये 3 लीटर में पड़ा हुआ है नगीन। अच्छा। ये आपको पड़ेगा 1150 रुपये का। ये 2 लीटर है, ये आपको सस्ते में पड़ेगा 350 के हिसाब से पड़ेगा। ये 2 लीटर है, देखिए आप, 2 लीटर है। और ये कितने का पड़ेगा? 350 के हिसाब। अच्छा, इसमें कोई स्मेल होती है, बदबू वगैरह? इसमें कोई शिकायत वगैरह, कोई शिकायत वगैरह नहीं है। और इसके अलावा? इसके अलावा ये 5 लीटर लगा हुआ है साबुन, ये आपको पड़ेगा 1900 रुपये में। 500 कितने का पड़ेगा? 5 लीटर 1900 रुपये में। कितने का लीटर पड़ा ये भी? 380। ये भी 380 रुपये वाला। तो इससे 380 वाला कम नहीं कोई? नहीं, 350 रुपये का 2 लीटर का। अच्छा, ये 350 रुपये का, वो 380 रुपये का है। इसमें क्या क्वालिटी का फ़र्क है? कंपनी का फ़र्क है, ये तोस्के है, ये साबुल है, ये गुलनाज है। ये 3 लीटर 1100 रुपये का गुलनाज का। अच्छा, ये 3 लीटर 1100 रुपये का गुलनाज है। अच्छा, गुलनाज का मैंने भी काफ़ी सुना है लोगों से कि गुलनाज बड़ा अच्छा तेल है, तकरीबन मैंने यहाँ पे लोगों कस्टमर से भी पूछा है। इसमें क्या और तेल वगैरह अच्छा आता है? इसमें क्या है, घी का क्या हिसाब है? घी 5 किलो का लाइट पड़ा हुआ है 1800 रुपये का, 5 किलो। अच्छा, 5 किलो। जैतून का है, ओलिव ऑयल साइड में हो जाएगा जो साइड। ये जैतून का है, ओलिव ऑयल 4 लीटर का है, ये आपको पड़ेगा 3000 रुपये में। 4 लीटर 3000 में। और 4 किलो वाला घी है 1500 रुपये का। अच्छा, तेल लीटर में ही आता है, किलो में नहीं आता तेल? लीटर के हिसाब से आता है, वहाँ से लीटर के। और अगर ज़्यादा लेना चाहे तो कोई डिस्काउंट मिलता है किसी को? ये कार्टन के ऊपर 150 का डिस्काउंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं होता जी। और बताओ तेल के बारे में, लीटर वाला है कोई बोतल? लीटर वाला नहीं है, 750 रुपये का ये पड़ा हुआ है। ये कितना? 330 रुपये का। ये 1.5 लीटर है, 550 रुपये का। अच्छा, ये 550 रुपये का 1.5 लीटर है। ये कैसा ऑयल है? ये ट्रैंग ऑयल है। बदबू वगैरह तो नहीं होगा? ये व्यूअर्स को बताओ, व्यूअर्स ने तकरीबन इसमें अभी तक इतना माल भेजा है, इसमें कोई शिकायत वगैरह, कोई ईक वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक? क्योंकि मेरे जितने भी कस्टमर है कमेंट्स पे ही कह रहे, बोला यार बदबू आती है, क्वालिटी सही नहीं है। अगर बदबू आता तो इतने लोग लेने थोड़ी ना यहाँ आते। हाँ, ये बात। कार्टन के कार्टन हम लोग बेचते हैं यहाँ पे, होलसेल का काम। बिल्कुल, बहुत काम तो बढ़ गया है और मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी लोग आने लगे अब लेने के लिए। तो अपना कोई नंबर वगैरह देना चाहेंगे आप? 03-222-56-8821। एक दफा और बताएं, 03-222-56-8821। एड्रेस भी बताएं दुकान? लियारी गरीब शाह रोड, अलकादर स्कूल के बिल्कुल सामने, आसकानी ट्रेडर्स। तो व्यूअर्स, ये देखा आपने, क्योंकि पाकिस्तानी ऑयल का रेट बढ़ चुके हैं तो तकरीबन लोग ईरानी ऑयल की तरफ रुख कर रहे हैं। और 5 लीटर भी है, 3 लीटर भी, 1.5 लीटर भी यहाँ पे ना, तो कम से कम जो है वो 350 रुपये लीटर वाला है और उससे थोड़ा सा अच्छा वाला, ज़्यादा वाला 380 रुपये वाला है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ऑयल के बारे में, बताइएगा कुकिंग ऑयल के बारे में मुझे। ईरानी कुकिंग ऑयल अगर इस्तेमाल कोई कर रहा है तो वो भी कमेंट्स करके बताइएगा कैसा है रिज़ल्ट इसका, और जिसने नहीं करा है वो इस्तेमाल करके फिर मुझे बताइएगा। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।